अच्छा, गुड मॉर्निंग, सबको नमस्कार। देखिए बच्चों, अपनी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस बच्चों आपको मैं समझा रहा था, और प्रेजेंट सिंपल टेंस के माध्यम से बहुत सारी बातें मैंने आपको समझाई। अब जरा इस बात पे गौर फरमाओ कि आपको स्थिति नंबर एक तो ये बताई कि प्रेजेंट सिंपल टेंस वह होता है जिसमें या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस या यस जुड़ करके आता है। इतने बार बोल दिया मैंने कि करीब करीब जो है सबको ये बात याद हो ही गई होगी। अब बच्चों इस सिचुएशन नंबर दो क्या बताई थी उस पर जरा चर्चा करते हैं हम। देखो भाई, मैं आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस में एक तो बताता हूँ बी वर्ब के बारे में, बी वर्ब का प्रयोग बताऊंगा आपको। तो बी वर्ब में क्या होता है बच्चों कि ये बी वर्ब है, ठीक है। तो पहले तो एक बी वर्ब के बारे में आपको दो एक, एक दूसरी जरूरी बात समझाता हूँ। देखो बच्चों, आप जानते हो बी वर्ब का मतलब सब जानते हो, एक तो होता है इज, एम और ये फर्स्ट फॉर्म होती है। सेकंड फॉर्म बच्चों वाज या वर होती है, ठीक है। और इसकी थर्ड फॉर्म बच्चों बी डबल ई एन होती है। अब आगे जरा इधर देखो, एक होती है बच्चों हेव वर्ब। क्या है हेव वर्ब? तो हेव को आप क्या करते हो, सेकंड फॉर्म जब बनाते हो तो हेड बना देते हो, थर्ड में भी आप हेड बना देते हो। अब आती है डू वर्ब, तो डू वर्ब में सेकंड फॉर्म आते हैं आप डिड बनाते हो, और थर्ड में आते हैं आप डन बनाते हो, है ना। जैसे गो है तो गो की क्या बनाते हो, गो, फिर बनाते हो वेंट, और फिर बनाते हो गो। अब बच्चों विशेष बात आपको जो समझानी है वो ये है, जरा ध्यान देना आप। जैसे मान लो ये ले लिया मैंने सबसे पहले गो, और मैंने कहा इसकी पांचवी फॉर्म बनाओ। पांचवी फॉर्म का मतलब होता है इसमें ऐसे ही एस जोड़ो। तो ऐसे ही एस जोड़ते बच्चों आप क्या करोगे, आप करोगे जी ओ प्लस, इस ओ के कारण बच्चों एस नहीं जुड़ेगा ई एस जुड़ेगा। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका गो। ई एस क्यों जोड़ा, ओ आने के कारण, क्योंकि आपको समझाया जा चुका है कि जिन वर्ब्स के अंत में ओ आता है, डबल एस आता है, सी एच आता है, एक्स आता है, जेड आता है, है ना। तो ये बच्चों डबल एस एस एच वगैरह जो आते हैं उनमें आप क्या जोड़ते हैं, ई एस जोड़ते हैं। क्लियर हो गई बात। अब बच्चों हम चलेंगे डू पर, ये आ गया साहब डू। अब आपसे कहा गया साहब डू में भी जोड़ो, तो वही तरीका है, ये ओ आ गया ना तो ई एस ही जुड़ेगा। अब ये हो गया साहब डज। यहां तक कोई विशेष नई बात नहीं बताई मैंने आपको, अब नई बात बताने वाला हूं। नई बात है बच्चों ये हेव है, फर्स्ट फॉर्म है, और मैंने कहा इसमें क्या जोड़ो, ऐसे ही एस जोड़ो, तो बच्चों अंत में क्या नहीं आ रहा, डबल एस 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 सी एच ओ एक्स जेड वगैरह नहीं आ रहा है। चूंकि नहीं आ रहा है और नहीं आ रहा है तो अपने में क्या प्रॉब्लम बताने दो। तो बच्चों नहीं आ रहा है तो इसमें क्या नहीं होगा, इसमें जो है वो नहीं जुड़ेगा। क्लियर हो गया। तो आप देखो ये आ गया आपका हेव। अब हेव आ गया तो इसमें एस नहीं जुड़ेगा, सिर्फ एस जुड़ेगा, ये एस जोड़ दिया हमने। अब बच्चा क्या करेगा, बच्चा ये करेगा, ये जो बच्चों आप जानते हो ऐसा नहीं बल्कि ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है ये तो आप भूल जाओ, लेकिन इसे याद कर लो कि हेव में जब एस जोड़ेंगे, उसको सिंगुलर बनाएंगे, तो हेव्स कभी नहीं बनेगा, बल्कि क्या बनेगा बच्चों, तब क्या बनेगा, तब बन जाएगा हेज बन जाएगा, ठीक है। वैसे हेव्स का प्रयोग हम कभी कभी करते हैं, हेव्स, ठीक है। व्हाट आर हेव्स एंड व्हाट आर हेव नॉट्स, कौन कौन से काम करने लायक है, कौन से करनी है, कौन से करनी है, वो अलग बात है, पर ऐसा नहीं होता, ठीक है। आगे और देखो, अब बी वर्ब की बच्चों फर्स्ट फॉर्म ले लेते हैं, ये बी वर्ब है। अब बी वर्ब जो है ये बी वर्ब है, और आपको कह दिया गया कि इसमें एस जोड़ो, तो ये हो गया बच्चों बी, और ये प्लस कर दिया हमने एस। अब चूंकि बच्चों फर्स्ट फॉर्म के रूप में लिया आपने, आप ब्रैकेट में बोल रहा हूं देखो पी आर, यानी प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा हूं, तो आप इन दो को तो भूल ही जाओ, क्योंकि प्रेजेंट फॉर्म तो ये होती है। अब क्या होता है बच्चों, बी में जैसे एस जोड़ोगे तो बच्चा क्या करेगा, बी ई और एस जोड़ देगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्या होगा बच्चों, इज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, ये नहीं होगा। आ गई समझ में। और अंतिम बात बच्चों किसके ऊपर लागू होती है, अगर मान लो ये बी वर्ब पास्ट टेंस में है, जरा ध्यान दो बच्चों, अगर ये बी वर्ब पास्ट टेंस में है पास्ट, तो फिर क्या करोगे, तो बच्चों वही बी की जगह तो बी आ जाएगा, अब एस आएगा, फिर आप इसको बीज करोगे, इस बार भी ऐसा नहीं होगा, इस बार पास्ट टेंस होने के कारण बच्चों क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। तो वाज वाला सही है, ये वाला गलत। क्लियर हो गया है।
ये बच्चों उतारने लायक बात है, गौर करने लायक बात है कि जब भी आप बी वर्ब में प्रेजेंट टेंस में एस जोड़ के उसको सिंगुलर बनाना चाहोगे या उसको पांचवी फॉर्म में बदलना चाहोगे तो बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, बी ई प्लस एस का प्रयोग नहीं करके इज का प्रयोग करना पड़ेगा। और जब पास्ट टेंस में आप ऐसा करोगे तो क्या करोगे, तब बच्चों बी ई प्लस एस करते बी ई एस नहीं होकर के वाज का प्रयोग करना पड़ेगा। अब बच्चों फ्यूचर फॉर्म तो होती नहीं, ये जो थर्ड फॉर्म है ये फ्यूचर फॉर्म थोड़ी है, तो पास्ट ही है, ये तो प्रेजेंट है, ये पास्ट है, पास्ट फॉर्म है, और ये बच्चों पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, ठीक है। तो चूंकि फ्यूचर फॉर्म तो होती नहीं, ऐसा तो मैं जब टेंस पढ़ाना शुरू किया था तभी कह दिया था देयर इज नो फ्यूचर फॉर्म, दैट्स व्हाई देयर इज नो फ्यूचर टेंस। इसलिए हम फ्यूचर को सिर्फ टाइम बोलते हैं और हम उसको टेंस नहीं बोलते हैं, लेकिन फिर भी हम क्या अपने अध्ययन की सुविधा के लिए उसको इस प्रकार से बांट बोट के पढ़ लेते हैं। एनी हाउ, तो बच्चों इतनी बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए कि क्या स्थिति रहती है, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं और अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। अब देखना बच्चों, एक सेंटेंस लिखता हूं, शी लाइक्स, ठीक है, शी लाइक्स, और हमने लिख दिया बच्चों स्विमिंग, शी लाइक्स स्विमिंग, यानी उसको क्या पसंद है बच्चों, उसको तैरना पसंद है। अब आप देख रहे हैं कि शी सिंगुलर है, क्योंकि बच्चों शी सिंगुलर है इसलिए आप किसका प्रयोग कर रहे हैं जरा बताना भाई, शी सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना ये, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो आप वर्ब में क्या जोड़ते हैं, एस जोड़ते हैं या यस जोड़ते हैं, तो बिल्कुल सही जोड़ा आपने। तो शी लाइक स्विमिंग का मतलब क्या हो गया, शी लाइक स्विमिंग का मतलब बच्चों फुल स्टॉप भी एक और करने लायक बात है, ठीक है। तो शी लाइक स्विमिंग का मतलब ये हो गया कि वह क्या पसंद करती है, वह बच्चों तैरना पसंद करती है। शी लाइक स्विमिंग का मतलब ये हो गया कि वह तैरना पसंद करती है। अब बच्चों इसमें देखने वाली बात जो है ये है कि जब मैं आपसे कहूंगी इसका प्रश्नवाचक बनाओ तो आप कैसे बनाते हो जरा देखना, आप डू या डज को बाहर लाते हो, ये हो गया साहब आपका डज, क्लियर है। क्या लिख दिया आपने, आपने लिख दिया बच्चों डज, और उसके बाद में क्या लिख दिया, शी, और ये लाइक का आपने क्या कर दिया बच्चों, ये एस हटा दिया क्योंकि ये तो इधर चला गया, डज शी लाइक स्विमिंग, और बच्चों पूरा ऐसा का ऐसा उतार दिया, फुल स्टॉप को आपने क्वेश्चन मार्क में बदल दिया। अब समझो कि यहां समझाने वाली बात क्या है, यहां बच्चों समझाने वाली बात यह है कि ऐसा सदैव होता है कि यदि सब्जेक्ट या सब्जेक्ट आ रहा नहीं है तो बच्चों अगर सब्जेक्ट के पहले एचवी का प्रयोग हुआ है, ध्यान देना, तो सब्जेक्ट के बाद में एमवी का प्रयोग जरूर होता है। ऐसा कोई सेंटेंस नहीं मिलेगा आपको कि सब्जेक्ट के पहले तो एचवी तो आ जाए लेकिन सब्जेक्ट के बाद में क्या नहीं आए, एमवी बच्चों ये आएगी और जरूर आएगी। लेकिन बच्चों मैं कुछ ऐसे सेंटेंस बताने वाला हूं कि जब एचवी यहां आएगी लेकिन यहां एमवी नहीं आएगी, सब्जेक्ट के पहले एचवी तो होगी लेकिन एमवी नहीं होगी, वो सेंटेंस कौन कौन से हैं जरा बच्चों उस पर भी अपन गौर फरमाते हैं। तो पहला सेंटेंस है बच्चों, जैसा कि मैंने आपको कहा, आई एम ए टीचर, और आपसे कहा गया साहब इसका प्रश्नवाचक बनाओ, तो बच्चों आप जानते हो ये सब्जेक्ट हुई ये वर्ब हुई दोनों के बीच में एचवी होती है, लेकिन यहां बच्चों ये एचवी खुद ही है, जब एचवी खुद ही है आगे जाएगी तो फिर यहां कुछ ना कुछ तो रहना चाहिए ना, लेकिन बच्चों इसमें नहीं रहेगा, इसमें क्या होगा जरा ध्यान दो, एम आई ए टीचर, एम आई ए टीचर। आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि सब्जेक्ट के पहले एचवी का प्रयोग तो हुआ है। आप ये कहोगे साहब ये तो आप तो इसको एमवी बता रहे थे, बच्चों में इसको एमबी बता रहा था, अब भी बता रहा हूं, लेकिन प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होगा बच्चों, ये एमबी नहीं है एचवी है, क्योंकि एमबी तो कभी सब्जेक्ट के पहले उठकर जाती ही नहीं है। मैं ये समझाना चाहता हूं कि एमवी का काम भी करता है और एचवी का काम भी करता है। अब बच्चों इसमें तो ये एमबी का काम कर रहा है और इसमें यह एचवी का कर रहा है, अब प्रश्न यह है कि अगर ये एचवी है तो एमबी क्या है, तो बच्चों एमबी नहीं है, यही तो बात है, यही तो मैं समझाना चाहता हूं कि ये बच्चों इस प्रकार की वर्ब है कि जब ये एचवी के रूप में सब्जेक्ट के पहले उसका इन्वर्जन किया जाता है या सब्जेक्ट के पहले जब ये उठकर जाती है तो बच्चों ये चली तो जाती है लेकिन यहां ये कुछ छोड़कर नहीं जाती। किस किस के पे लागू होगी ये बात, ये बच्चों एम पर होगी, इज पर भी होगी, शी इज ए डॉक्टर, इज शी ए डॉक्टर। उसी तरीके से हमने बोला कि दे आर माई फ्रेंड्स, वो मेरे दोस्त हैं, आर दे माई फ्रेंड्स, इतना समझ में आ गया है। आपको यह भी समझाया जा चुका है कि इज में जब नोट जोड़ोगे तो इजेंट बनेगा, आर में जब नोट जोड़ोगे तो आरंट बनेगा, लेकिन एम में जब नोट जोड़ोगे तो एमंट नहीं बनेगा बल्कि
आरंट ही बनेगा। आपको ये बात विस्तार से समझाई जा चुकी है कि सब्जेक्ट के पहले बच्चों नोट का प्रयोग कभी नहीं होता। नोट का प्रयोग तो वाक्य में तीसरे स्थान पर किया जाता है, परंतु यदि आपने सब्जेक्ट के पहले नोट का प्रयोग किया है तो इट शैल बी ऑलवेज इन इट्स कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, ये हमेशा अपनी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होगा, ये फुल फॉर्म में नहीं होगा। लेकिन यदि नोट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद में हुआ है तो बच्चों ये किस में होगा, इट कैन आइदर बी इन इट्स कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म और इट्स फुल फॉर्म। अगर इसका प्रयोग सब्जेक्ट के बाद में हुआ बच्चों तो यह कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में भी हो सकता है और यह फुल फॉर्म में भी हो सकता है। यह बात आपको अच्छे से क्लियर की जा चुकी है। अपनी बात को बच्चों आगे लेंगे। इजैम आर की बात तो आपके समझ में आ गई है। अब बच्चों आपको इजैम आर की बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। अब इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, वाजवर होती है, तो वाजवर पर भी बच्चों यही नियम लागू होगा। जैसे बच्चों हमने आपको कहा नेहरू, क्या बोला बच्चों, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू है साहब, नेहरू वाज द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया। क्लियर है बच्चों, सब जानते हो ना, भारत के पहले प्रधानमंत्री हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिनको बच्चे प्यार से क्या बोलते थे, बच्चे वो बच्चों को बहुत प्यार करते थे, ही लव्ड चिल्ड्रन वेरी मच, वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे, दैट्स वाई चिल्ड्रन कॉल्ड हिम चाचा नेहरू, बच्चे उनको चाचा नेहरू के जी पुकारते थे, और इसीलिए हम उनके जन्मदिन को, उनका जो बर्थडे है, उस बर्थडे को बच्चों हम कौन से डे के रूप में मनाते हैं, हम उसको चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाते हैं। तो ऐसे थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, काफी अच्छे थे, है ना। अब बच्चों मुद्दे की बात यह है कि नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं बच्चों, इसमें जैसा कि आपकी अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें बच्चों सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट नेहरू है। तो बच्चों सब्जेक्ट नेहरू है तो ये एमबी है, और अगर ये एमबी है तो फिर क्या है, अगर बच्चों ये एमबी है तो है। अब जब इसको प्रश्नवाचक वाक्य में बदलेंगे तो ये तो उठ के यहां आएगी, और जब ये यहां आएगी तो बच्चों आप जानते हो एमबी तो कभी सब्जेक्ट के पहले उठ के आ ही नहीं सकती, तब किसका काम करेगी, तब ये एचवी का काम करेगी, और आपका सेंटेंस क्या बनेगा, वो नेहरू द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, और फुल स्टॉप को आप क्वेश्चन मार्क में बदल दोगे। यही बात वर्ग के ऊपर लागू होनी है। वर्ग के ऊपर बच्चों रोमियो एंड जूलियट वर ग्रेट लवर्स, रोमियो और जूलियट बहुत अधिक प्रेम करते थे, प्रेम करने वाले थे, आशिक थे। अब बच्चों वर को जब आगे लाऊंगा तो क्या करूंगा, वर रोमियो एंड जूलियट ग्रेट लवर्स, क्या रोमियो एंड जूलियट, क्या रोमियो और जूलियट मान प्रेमी थे, बात खत्म। अब बच्चों बात खत्म, तो दूसरी बात और चलनी है अभी। तो आप जानते हो बच्चों मैंने बी वर्ब के बारे में आपको बताया, अब आपको जो बीन है उसके बारे में बताऊंगा नहीं, क्योंकि बीन में बीन के बारे में क्यों नहीं बताऊंगा, उसका भी एक कारण है। देखो बच्चों ये बी है, ठीक है, जब आप इस बी की फर्स्ट फॉर्म लेते हो इज एम और आर, ये तीनों बच्चों किसके रूप में काम करती है, एच बी के रूप में भी करती है और एम बी के रूप में भी करती है, ठीक है, ये एम बी भी लगा दिया हमने। अब वाज वर के बारे में क्या है, देखो बच्चों वाज और वर भी ऐसी ही है, ये एच बी का काम भी करती है और ये एम बी का काम भी करती है, क्लियर है। लेकिन बच्चों ये जो बी डबल ई एन बीन है ना, ये सिर्फ एम बी थर्ड का काम करती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम करती है, लेकिन ये कभी सहायक क्रिया या एचवी का काम नहीं करती है, इसलिए इन्वर्जन करने की प्रक्रिया में इसको नहीं गिना जाता है। मैं यो भी कह सकता हूं कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो आपके पास 11 हैं, देर आर 11 प्राइमरी ऑक्सिलरीज, 11 प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं, 14 मॉडल हैं, 13 मॉडल हैं, 13 और 11 मिला के 24 होते हैं, तो बच्चों इनको हम बोलते हैं 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। तो बच्चों हैं तो चाहे मॉडल हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन है तो ऑक्सिलरी ना, लेकिन बीन को इस कोटी में नहीं रखा जाता है, बीन को इस श्रेणी में शुमार नहीं किया जाता है। इस तरह से बच्चों बी की बात तो खत्म हो गई है। अगर बी की बात आपके समझ में आ गई है तो इससे ज्यादा खुशी की बात जो है बच्चों मेरे लिए और कोई दूसरी नहीं हो सकती है। और अब मैं आपको जो बात समझाने वाला हूं वो समझाऊंगा बच्चों हेव के बारे में। आपको ये बातें छोटी छोटी लग सकती है, लेकिन ये मेरा दावा है कि अगर मेरी बातों को ध्यान से सुनेगा तो केवल विद्यार्थी नहीं टीचर भी सीख लेगा, टीचर भी सीख सकेगा। मैं ऐसी बातें आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो क्योंकि कभी जिस चीज पे आपने कभी गौर ही नहीं किया, हालांकि उसका यूज आप सदैव करते हो, लेकिन कभी जिस पे गौर नहीं किया उसके ऊपर आपका जो गौर या आपका जो ध्यान है उसको मैं आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। और ये गलतियां जो है आप जीवन में फिर कभी करोगे नहीं, सवाल है मजबूत फाउंडेशन का, और वो मजबूत फाउंडेशन आपको कौन देगा, वो मैं दूंगा, ठीक है बच्चों। तो आज ये अपनी बात को हम ले रहे हैं। अब बच्चों जैसे मैंने आपको कहा शी, ठीक है, अब वो एक वचन है तो मैं क्या कहूंगा शी, ये हेव, ठीक है, ए कार, यानी उसके पास एक कार है, या यो भी कह सकते हैं कि वह एक कार रखती है, उसके पास एक कार है, कह दो चाहे वह एक कार रखती है, कह दो बच्चों इसमें कोई फर्क नहीं है। अब आप तो जानते हो
कि आपका सब्जेक्ट क्या है बच्चों जरा बताना, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका सब्जेक्ट तो क्या है, सिंगुलर है। अब बच्चों सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो सिंगुलर वर्ब आती है, अब बच्चा भाई ये क्या करेगा, गुरु जी ने बोला था एक वचन है तो ऐसे ही एस जोड़ दो, अब इसके अंत में तो डबल एस 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 सी एच ओ एक्स वाई या जेड वगैरह नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तो चलो ठीक है एस जोड़ देते हैं, यही बात कह गई आप। आपको बताया जा चुका है हेज नहीं होता, क्या होता है बच्चों हेज होता है। अब बोलो आपका वाक्य क्या बन गया, शी हैज ए कार, उसके पास एक कार है, शी हैज ए कार, उसके पास एक कार है। बच्चों यहां तक की बात तो आपकी समझ में आ गई है, लेकिन अब आगे वाली जो बात है वो समझाऊंगा बच्चों, इसके डबल रोल होते हैं। ये इज़ाम आर बच्चों क्या करती है, मेन वर्ब का काम करती है, और जब इसको एचवी के रूप में काम में लिया जाता है तब ये मेन वर्ब का नहीं करती है, क्योंकि यदि ये मेन वर्ब होती तो इसका प्रयोग सब्जेक्ट के पहले हो ही नहीं सकता था। आपको बताया जा चुका है ए मेन वर्ब कैन नेवर बी यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, किसी भी मेन वर्ब का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के पहले नहीं किया जा सकता, जैसे आई गो तो गो आई, ऐसा कभी नहीं बोला जा सकता है। यानी मेन वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के पहले रख करके वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में नहीं बदला जा सकता है, तो फिर तो इज एम आर किसका काम करेगी, जाहिर सी बात है हेल्पिंग वर्ब मानी ऑक्सिलरी वर्ब का काम करेगी। अब बच्चों जरा मैं इस सेंटेंस को दो प्रकार से बनाने वाला हूं, पहला तरीका तो बच्चों आपके पास वो है ही क्या, हेज को आगे लिया शी, अब हेज आगे आ गया सहायक क्रिया का काम करेगा ये तो, क्योंकि यह तो मैं मुख्य क्रिया था और यह सहायक क्रिया का काम करेगा। अब बच्चों जब ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा तो यहां तो कोई वर्ब छूटेगी नहीं, तो क्या हो जाएगा, हे शी ए कार, यानी वही वाली बात जो मैंने इज एम आर के साथ समझाई। परंतु बच्चों इसके साथ एक बात और है कि ये शी और हे वो ना, इसके बीच में क्या छुपा हुआ है, आइदर डू और डच छिपा हुआ है। अब आइदर डू और डच छिपा हुआ है तो बच्चों आप जानते हो ये तो सिंगुलर है, तो डच छिपा हुआ है तो मैं इसको आगे ले लेता हूं डज, ये आ गया साहब डज। अब प्रश्न ये है कि शी डज शी, अब बच्चों आप जानते हो हेज में से जब एस या एस इधर चला गया तो ये वापस फर्स्ट फॉर्म में यानी हेव में बदलेगा कि नहीं बदलेगा, डज शी हेव ए कार। अब बच्चों मेरा प्रश्न यह है, बल्कि यक्ष प्रश्न यह है कि विच ऑफ द टू अल्टरनेटिव्स इज करेक्ट, दोनों अल्टरनेटिव्स में से कौन सा सही है। तो बच्चों ध्यान दो इस बात के ऊपर, इस बात को जरा गौर से देखो कि इसमें तो सब्जेक्ट के पहले एचवी का प्रयोग हुआ है और यहां पर एमबी का प्रयोग हुआ ही नहीं है, और यहां बच्चों सब्जेक्ट के पहले एचबी का प्रयोग भी हुआ है या एमबी का प्रयोग भी हुआ है, तो बच्चा कहेगा कि साहब दूसरा वाला सही है। लेकिन मेरे बच्चों एक चीज आप अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए, इसकी डबल रोल में काम करता है ये जो बच्चों ये जो ये हेव वर्ब है ना, ये मेन वर्ब की तरह भी फंक्शन करती है और ये हेल्पिंग वर्ब की तरह भी फंक्शन करती है। यहां तो ये हेल्पिंग वर्ब की तरह फंक्शन कर रही है, देखो बच्चों यहां तो मेन वर्ब की तरह फंक्शन कर रही है, यहां हेल्पिंग वर्ब की तरह फंक्शन कर रही है, और यहां बच्चों ये मेन वर्ब की तरह फंक्शन कर रही है हेव, और यहां पर ये क्या है डज है, ये सहायक क्रिया का काम कर रहा है। तो हेज हेव, हेज हेव में क्या होता है बच्चों, क्या छुपा हुआ होता है, हेज हेव में डू या डज छुपा हुआ होता है और हेड में डिड छुपा हुआ होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये वाक्य बिल्कुल सही है, और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये वाक्य भी बिल्कुल सही है। बात क्लियर हो गई है, और आइए अपनी बात को लेते हैं, एक सेंटेंस और देता हूं, ये हेज वाला बताया बच्चों, अब मैं आपको हेव का समझाता हूं। देखो जैसे वी हैव ए बिग हाउस, हमारे पास क्या है, हमारे पास एक बड़ा घर है, साधारण वाक्य है बच्चों। चूंकि वी हैव ए बिग हाउस है तो इसको दोनों प्रकार से बनाओ। तो बच्चों पहला प्रकार तो क्या है, पहले प्रकार में अब आपको खुद भी बनाना है, मैं इसको कुछ बनाऊंगा नहीं, मैं तो आपको समझाऊंगा। तो वी हैव अ बिग हाउस में क्या करोगे बच्चों, पहला तरीका तो क्या है, कुछ नहीं करो, इसको उठाओ यहां लाओ, बोलो क्या बन गया, हैव वी अ बिग हाउस, और बच्चों जो फुल स्टॉप है उसको क्वेश्चन मार्क में बदल दो, लहजा बदल दो लहजा। कभी कभी क्या होता है बच्चों लहजा, जैसे आप जानते हो एक तो मैंने आपको कहा कल तुम आए थे, एक मैंने बोला कल तुम आए थे, बात एक ही है, स्पेलिंग एक ही है, लहजा अलग है बच्चों, काकू वक्रोक्ति है, काकू माने लहजा चेंज हो रहा है। तो लहजा चेंज होने से बच्चों जैसे बोलते नहीं किसी को रोको मत जाने दो, और किसी को हम क्या बोल देते हैं रोको मत जाने दो, तो लहजा ही तो बदल रहा है, बाकी स्पेलिंग के अंदर कोई फर्क नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं बच्चों कि ये लहजे की बात है, आप क्या करोगे कि ये जो है ना बच्चों इसको आगे लाओगे, कैसे बोलोगे, हैव यू ए बिग हाउस, हैव यू ए बिग हाउस, प्रश्न पूछने जैसी मुख मुद्रा बनाओ, प्रश्न पूछने जैसी मुख मुद्रा बनाओ, और इस फुल स्टॉप को क्वेश्चन मार्क में बदलो बच्चों, पहला तरीका। और दूसरा तरीका क्या करोगे, डूडज को बाहर लाओ, तो बच्चों आप देख रहे हैं इसमें ऐसे एस जुड़ा हुआ नहीं है तो डूबा रहेगा, अब ऐसे डूबा रहेगा तो डू वी, अब बच्चों हेव में कोई चेंज ही नहीं होगा, हेव में तो तब चेंज होता जब यहां ऐसे एस होता है और यहां पर आप डज का प्रयोग करते तो ऐसे एस हटाते, लेकिन यहां तो कुछ नहीं आएगा, तो क्या करोगे, डू वी हैव अ बिग हाउस, डू वी हैव अ बिग हाउस, हमारे पास बड़ा घर है, कहां यार, हमारे पास तो छोटा मोटा ही है,
तो डू वी हैव अ बिग हाउस, अर्थात क्या हमारे पास में एक बड़ा घर है। तो बच्चों आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि जयमार का प्रयोग और वाजवर का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, एच वी के रूप में किया जाता है, जब उसका प्रयोग सब्जेक्ट के पहले किया जाता है, और बच्चों उसका प्रयोग एम वी में भी किया जाता है। ठीक है, कब किया जाता है, जब उसका प्रयोग सब्जेक्ट के बाद किया जाता है और कोई दूसरी वर्ब नहीं आती है, तब वो मेन वर्ब की तरह फंक्शन करते हैं। आपने बच्चों क्या देखा, आपने ये देखा कि हे जेव, एड भी शामिल है इसमें, एड की बात भी समझाएंगे आपको। तो हे जेव का प्रयोग किस रूप में किया जाता है बच्चों, एच वी के रूप में किया जाता है। अगर सब्जेक्ट के बाद में प्रयोग हुआ है और उसके बाद कोई दूसरी वर्ब नहीं आ रही है तो वो मेन वर्ब है। अगर सब्जेक्ट के बाद में हे जेव का प्रयोग हुआ है और उसके बाद कोई दूसरी वर्ब आ रही है तो वो एच वी है, और यदि इसका प्रयोग सब्जेक्ट के पहले हुआ है तो एच वी है, और यदि इसका प्रयोग सब्जेक्ट के बाद हुआ है और सहायक क्रिया के रूप में आपने डू डज या डिड का प्रयोग किया है, तब भी बच्चों एम बी की तरह फंक्शन करता है। तो इस क्रम में बच्चों अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। तो बच्चों आपको समझ में आ गया ना कि हे जेव की स्थिति क्या रहती है, कि किसका काम करता है, किस रूप में करता है, सहायक क्रिया के रूप में भी करता है। ओके, अब बच्चों बात चलती है अपनी डू वर्ब के बारे में, बात करते हैं। डू वर्ब का प्रयोग जब आप प्रेजेंट सिंपल टेंस में करते हो तो किस किस तरह करते हो, यही तो उलझाट है बच्चों जो आपके समझ में आ जाते हैं। कई बार क्या है बच्चे परेशान हो जाते हैं, पूरे टेंस पढ़ लेते हैं फिर कहते हैं एड दो बार आ रहा है, दो बार एड कैसे आ सकता है। अरे वो कैसे आ सकता है हम समझाएंगे आपको, इस तरीके से समझाएंगे जी कभी आपके दिमाग में किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन अगर बालाजी ने चाहा तो रहेगा ही नहीं। ठीक है ना, तो अब जरा बच्चों आप देखें कि मैं आपको डू वर्ब के बारे में समझाने वाला हूं। तो बच्चों आप तो जानते हो डू और क्या होती है डज, और क्या होती है सॉरी हाँ डू डज सही तो है, डू डज ही समझाएंगे आपको। अब बच्चों डू डज है एक डिड है, और डन बच्चों हम समझाएंगे नहीं क्योंकि जो डन थर्ड फॉर्म होती है ना वो एचवी का काम नहीं करती है, ये एचवी और एमबी दोनों का काम करने वाली है, प्राइमरी ऑक्सिलरी, इसका प्रयोग आपको समझाता हूं। देखो एक सेंटेंस मैंने बोला, सोफिया, ठीक है, और बच्चों आपको दे दिया ब्रेकिट, और आपको दे दिया डू, और आपको कहा हर होमवर्क। अब बताओ बच्चों सोफिया एक लड़की है, विद्यार्थी है आपकी तरह है, वो अपना गृह कार्य करती है, बताओ, ठीक है ना, अच्छी लड़की है ना वो जो अपना गृह कार्य करती है। तो बच्चों आप जरा देखो कि सोफिया, अब आप इस बात को समझो कि सोफिया सिंगुलर है और आपसे कहा गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वो भी बच्चों प्रेजेंट सिंपल की। तो प्रेजेंट सिंपल की आप भरोगे तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो डू भरोगे या डज भरोगे, चूंकि सिंगुलर है इसलिए आप क्या कर सकते हो बच्चों, आप डू का प्रयोग नहीं करके इसमें ऐसे ही जोड़ेंगे सोफिया डज होमवर्क। सोफिया क्या करती है,
सोफिया डजर ओमबर्ग यानी सोफिया अपना गृह कार्य करती है, सोफिया डजर ओमबर्ग यानी सोफिया अपना गृह कार्य करती है। आगे है समझ में, सोफिया डजर ओमबर्ग यानी सोफिया अपना गृह कार्य करती है। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ कि सोफिया डजर ओमबर्ग ये तो आपने बना लिया, अब मैं आपसे कहूंगी इसका प्रश्नवाचक बनाओ, तो आप इस बात को समझो कि ये जो सोफिया सब्जेक्ट है और ये बच्चों यहां पर किसका काम कर रहा है, ये यहां पर एम वी का काम कर रहा है, तभी तो आपने ऐसे एस जोड़ा, क्योंकि बच्चों आप जानते हो ऐसे एस किस में जुड़ता है, ऐसे एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जुड़ता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यानी वर्ब की मेन वर्ब में जुड़ता है, मेन वर्ब में जुड़ता है, सहायक क्रियाओं में कभी ऐसे एस जुड़ता है क्या? फिर आपको भी सर आपने हेव भी कैसे जुड़ा था, यही तो कह रहा हूं कि वो मेन वर्ब की तरह जब भी फंक्शन करेगी तो ऐसे एस जुड़ जाएगा, लेकिन जब वो मेन वर्ब की तरह नहीं केवल एचवी की तरह फंक्शन करेगी तो उसमें नहीं जुड़ेगा, जैसे मॉडल है, मॉडल भी एक सहायक क्रिया, जैसे कैन है। तो मेरे बच्चों मुझे ये बताइए कैन का कैन सोते हुए कभी आपने देखा है क्या? कैन का कुड़ तो ठीक है, कैनिंग होते हुए देखा है क्या? इसका मतलब ये हुआ कि सहायक क्रिया की आईएनजी फॉर्म नहीं बनती है। अब आपको साहब डू का डूइंग तो खूब बनता है, वो बनता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, यही तो मैं समझाना चाहता हूं कि डू सहायक क्रिया का काम भी करता है और मुख्य क्रिया का काम भी करता है, ये एचवी का काम भी करता है, ये एमवी का काम भी करता है, जब ये एमवी का काम करेगा तब आईएनजी जुड़ेगा। और ये भी समझ लो यदि डू में आईएनजी जुड़ा हुआ है या उसमें ऐसे एस जुड़ा हुआ है तो निश्चित रूप से किसका काम कर रहा होगा वो, तो निश्चित रूप से बच्चों किसका काम कर रहा होगा, तब वो निश्चित रूप से जो है एमवी का काम कर रहा होगा। लेकिन डज पर ये बात लागू नहीं होती है, क्योंकि डज जो है सहायक क्रिया के रूप में स्वतंत्र भी है। ठीक है, एनी हाउ, अब मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूं, तो शी डज हर होमवर्क। अब बच्चों आपको मैं कहूंगी इसका प्रश्नवाचक बनाओ, तो कैसे बनाओगे? देखो ये डज है ना बच्चों, तो ये तो डज तो मेन वर्ब है, अब ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, इस जगह क्या छुपा हुआ है, इस जगह डू या डज छुपा हुआ है, ये डू इसको छोड़ो, ये तो मेन वर्ब है, सहायक क्रिया बच्चों, सहायक क्रिया जो डमी है जो दिखाई नहीं दे रही है, दैट इज आइदर डू और डज, वो डू या डज है। तो आप क्या करोगे, सोफिया सिंगुलर है तो डज ही बाहर लाओगे, ये ले आए, ये डज आ गए, और डज के बाद भी क्या लिखोगे आप, ये सोफिया लिख दिया, ये डज सोफिया, कोई समस्या है तक? अब बच्चों इसका ऐसे यस तो इधर चला गया है, इसलिए सिर्फ रह जाएगा डू, फिर आ जाएगा हर होमवर्क। बोलो समझ में आ गई बात कि नहीं आई? अभी नहीं आई होगी, पर नहीं आई तो कोई बात नहीं, अब आएगी। देखो बच्चों आप इस बात को समझ लीजिए, ये तो मेन वर्ब थी, और बच्चों इसमें ये तो सब्जेक्ट है, और ये इसमें एच वी है, और ये इसमें क्या है बच्चों, ये इसमें एम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अकेला डज उठकर के यह नहीं आएगा, डज सोफिया हर होमवर्क। ध्यान दो, अगर मैं इस सेंटेंस को यो लिख देता, जरा ध्यान देना, डज सोफिया हर होमवर्क, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि यहां पर एमवी का प्रयोग तो हुआ ही नहीं, तो ये समझ लो बच्चों कि डज और डू का प्रयोग जब भी आप करोगे किसकी तरह, सहायक क्रिया की तरह, तो सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब का प्रयोग होना अनिवार्य है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों जब आपने इसको उठा करके यहां रखा, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था इसको, जब आपने उठा के रखा तो रख दिया, वह वर्ब थी नहीं इज एम आर पे, उसी तरीके से वाजबर को उठा के ले गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, उसी तरीके से हे जेऊ को उठा के आपने इधर रख दिया तो प्रॉब्लम नहीं आई, दो रूपों में बताया गया उसका। लेकिन बच्चों डू डज की जो बात है उसमें क्या है कि जब आप डज को आगे लाओगे तो डज सोफिया हर होमवर्क, डज सोफिया हर होमवर्क ऐसा नहीं आएगा। जैसे बच्चों आपने कभी किसी को ये कहते हुए सुना होगा, जैसे मैं आपको बोलता हूँ डू डज के बहुत सारे वाक्य हैं, जैसे मैंने आपको कहा डू यू लाइक स्विमिंग, अब बच्चों इस तरीके कहूंगा डू यू स्विमिंग, लाइक तो आएगा, वर्ब तो आएगी, इसका मतलब बच्चों ये समझ लो कि डू डज का प्रयोग जब सहायक क्रिया की तरह होता है सब्जेक्ट के पहले किया जाता है तो सब्जेक्ट के बाद में एमवी का प्रयोग होना अनिवार्य है, इज एम आर में ऐसा अनिवार्य नहीं है, वाज वर्ब में ऐसा अनिवार्य नहीं है। ठीक है बच्चों, और हे जेव हेड में क्या होता है, हे जेव हेड बच्चों दोनों प्रकार से आता है, अगर हे जेव का प्रयोग आगे कर रहे हो तो डू डज भी आगे आ सकता है और हे जेव को आगे ला सकते हो, अगर हेड है सेकंड फॉर्म तो आगे आप डिड को ला सकते हो। हेड हेड में क्या होता है, डिड जैसे मैंने आपको ये कहा आई हेड माई लंच, आई हेड माई लंच यस्टरडे, कल मैंने अपना लंच लिया, कुछ भी है ना, तो बच्चों आपने बोला आई हेड माई लंच यस्टरडे एट 12 o'clock, ऐसे बोला आपने, तो आप बच्चों डिड को आगे लाओगे तो क्या जाएगा, डिड आई, अब जो हेड है ना उसकी फर्स्ट फॉर्म क्या बन जाएगी, डिड आई हैव, ऐसे ही बन सकता है, और हेड को उठा के आगे ले जाओगे आप तो क्या बनाओगे, हेड आई, हेड आई, अब माई लंच आ जाएगा सीधा, क्या नहीं आएगी,
वर्ब नहीं आएगी। ये बच्चों इस प्रैक्टिस को अच्छे से समझो, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर यही तो है सबसे बेहतर। किसी भी वीडियो को देख लेना, यूट्यूब पर जाने कितने वीडियो आपको मिलेंगे, लेकिन जो बात मैंने समझाई है आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए टाइम लगा है। आगे बढ़ाते हैं अपनी बात। अब बच्चों टेंस तो आपको अच्छे समझा दिया गया है, प्रेजेंट सिंपल टेंस की सारी बातें जो है करीब करीब वो बातें बताई है मैंने जो बिल्कुल हट करके है और बड़ी काम की है। ऐसी भी नहीं कि अब ये हटके की बातें इसलिए बताइए कि आपके ऊपर मेरा प्रभाव डालना चाहता हूं मैं, ऐसा मेरा मकसद नहीं है, लेकिन मैं आपके व्यवहार में आप में व्यवहारगत परिवर्तन लाना चाहता हूं, ये मेरा मकसद जरूर है। अब बच्चों में प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है उसके यूसेज के बारे में बात करता हूं आपसे। देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग आप कहां कहां करते हो, तो ये है बच्चों इसका यूसेज। बहुत सारी बातें हैं, एक एक बात जो है बच्चों मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में बच्चों सबसे पहले वाली बात तो आप इस बात को देखो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग कहां किया जाता है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे बच्चों आप, ऐसे वाक्य जिनमें किसका भाव होता है, एस यू आर एफ, सर्फ का भाव होता है। अब ये सर्फ क्या है, एक एक शब्द में आपको समझाऊंगा तो बात आपके समझ में आएगी। देखो बच्चों पहला सेंटेंस लिखना आप, आपकी बात क्लियर हो जाए। जैसे मैंने आपको कहा एन एम्प्टी, लिखते चलना, वेसल, ठीक है, मेक, मोर, नॉइज। अब बच्चों एन एम्प्टी वेसल मेक मोर नॉइज का मतलब होता है कि खाली बर्तन ज्यादा शोर मचाता है। खाली बर्तन ज्यादा शोर मचाता है का मतलब ये हुआ बच्चों कि तोथा चना और बाजे घना, अब इसके अंत में ना नहीं आ रहा है, क्रियांत नहीं है ये, हिंदी अनुवाद करने पर इसके अंत में क्रिया नहीं आ रही, इसलिए मुहावरा नहीं है, कहावत है। यही बच्चों कहावत और मुहावरे का सबसे बड़ा अंतर यही, आम के आम गुठलियों के दाम, बताओ क्या है, क्या इसके अंत में ना आ रहा है, चूंकि ना नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तो ये वाक्य में फिट नहीं हो सकता, इसको अलग से लिखना पड़ेगा, तो कहावत है आम के आम गुठलियों के दाम। उसी तरीके से मैंने कहा तोता चढ़ा और बाजी गणा, ये मुहावरा नहीं है कहावत, फिर मुहावरा क्या होता है, उल्टी गंगा बहा ना ना गया क्या, चूंकि इसके अंत में ना गया इसलिए मुहावरा है। मेरा मतलब यह है बच्चों मुहावरे हमेशा क्रिया से समाप्त होते हैं, ये मुहावरे की पहचान होती है, साधारण पहचान मुहावरे यही है कि जैसे उल्टी गंगा बहाना, तो उल्टी गंगा बहाना के अंत में ना आ गया तो वो मुहावरा है, कोई सा मुहावरा उठा के देख लेना उसके अंत में ना आएगा, इसके अंत में ना नहीं आ रहा है। तो एन एम्प्टी विशल मेक मोर नॉइज। अब बच्चों आप जानते हो कि सब्जेक्ट क्या है, ये बच्चों सब्जेक्ट में हेड वर्ड है, ये रियल वर्ड है इसका, ये इसका क्या है बच्चों, ये इसका एडजेक्टिव है, क्या इसका एडजेक्टिव है, ये इसका आर्टिकल है। अब बच्चों आप जानते हो कि ये दोनों मिला के क्या कहलाएंगे, ये दोनों मिला के इसके प्री मॉडिफायर कहलाएंगे। तो मैं ये समझाना चाहता हूं आपको, प्री मॉडिफायर पढ़ाना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन ये बताना जरूर मेरा मकसद है कि सब्जेक्ट बच्चों जो है ना, ये तो सब्जेक्ट है, ये इसके गहने हैं, यानी इनका सब्जेक्ट के बिना कोई वजूद नहीं है। ये जो आगे मैंने लिखे हैं प्री मॉडिफायर्स, इनका सब्जेक्ट के बिना कोई वजूद नहीं है। तो ये तो बच्चों रियल, देखो ये तो रियल, ये तो पूरा सब्जेक्ट तो यहां से लेके यहां तक है, पूरा सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, इसका ये एक्सटेंशन है, ये कर्ता है, ये कर्ता का विस्तार है। अब बच्चों बात ये है कि कर्ता के विस्तार को छोड़ो आप जो हेड वर्ड यानी जो रियल सब्जेक्ट वो तो ये है ना। अब ये देखो एक वचन है या बहुवचन है, तो आप अच्छी तरह समझ गए दैट दिस इज सिंगुलर नंबर, ये सिंगुलर है। अब बच्चों सिंगुलर है तो आप जानते हो कि वर्ब भी सिंगुलर होगी, तो इसमें ऐसे ही जोड़ोगे। अब बताओ क्या बन गया, एन एम्प्टी वेसल मेक्स मोर नॉइज, यानी खाली बर्तन ज्यादा शोर मचाता है। एन एम्प्टी वेसल मेक्स मोर नॉइज का मतलब होता है खाली बर्तन ज्यादा शोर मचाता है, यानी तोता चना और बाजे घड़ा। तो बच्चों आपकी क्या समझ में आ जाना चाहिए, एस का मतलब लिख लो बच्चों सेइंग, एस ए आई एन जी सेइंग या प्रोवर्ब, यानी जिन वाक्यों में बच्चों सेइंग या प्रोवर्ब, हिंदी में बोलते हैं कहावत का भाव होता है, ऐसे वाक्य हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस के होते हैं। यूं कह सकते हो कि सेइंग्स और प्रोवर्ब्स आर ऑलवेज रिटन इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। बच्चों कहावतों का प्रयोग हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में किया जाता है, पहली बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। अब बच्चों दूसरी बात जरा देखो एक बार, जैसे मैंने कहा कि दर्शन, ये है बच्चों दर्शन, और लिख दिया राइजेज, एक वचन है तो राइजेज करूंगा ना, इन द ईस्ट, इन द ईस्ट का मतलब क्या हो गया, सूर्य पूर्व में उदित होता है, सूर्य प्राची में उदय होता है। तो बच्चों आप जरा बताओ कि सूरज अगर पूर्व में उदित होता है तो ये क्या है बच्चों, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सार्वत्रिक सत्य। अगर आप पाकिस्तान में जाओगे, जो ज्यादा अच्छा देश नहीं है, पर नहीं है तो नहीं है, बट सूरज कोई पक्षपात थोड़ी करता है, सूरज तो वहां भी पूर्व में उगेगा।
आप हिंदुस्तान के अंदर देखते हो सूरज पूर्व में उगता है, आप इंग्लिस्तान में जाइए उधर भी स्थिति यही है। तो मेरे कहने का भाव अर्थ यह है बच्चों कि इसमें यूटी का भाव है। यूटी का मतलब होता है बच्चों यूनिवर्सल ट्रुथ। क्लियर हो गया है? और बच्चों तीसरी बात क्या है, रिपीटेड एक्शन और फैक्ट वाली बात है। तो इसके ऊपर क्या है कि चूंकि समय पूरा हो गया है तो हम इसके ऊपर आगे वाली क्लास में चर्चा करेंगे। तो इस तरह से बच्चों आज की बात यही समाप्त, और आगे वाली बात अगली क्लास में। नमस्कार।